नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूँ मैं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि दीपावली आपकी बहुत शानदार निकली होगी। और जैसे ही दीपावली निकली, एक शानदार धमाका अमेरिका की तरफ से हुआ। ये धमाका ऐसा था कि खुद को बॉम्ब से उड़ा दिया। किसने? आईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी ने। जिस वक्त भारत में लोग दिवाली मना रहे थे, उसी वक्त अमेरिका आतंक के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रहा था। यह अभियान था दुनिया के सबसे बड़े आतंकी अबू बकर अल बगदादी के खिलाफ। सीरिया में अमेरिकी सेना ने आखिरकार बगदादी को मारकर आतंक के खिलाफ अपना प्रण पूरा कर लिया। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ एमएस बिट्टा साहब जुड़े हैं, जो कि अध्यक्ष है AIATF के। बहुत बहुत स्वागत है बिट्टा साहब आपका। अब निजेश अवस्थी साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और आप जानते हैं कि यहाँ पर संघ के विचारक के तौर पर, प्रचारक के तौर पर अक्सर अपनी बातें रखते, प्रचारक नहीं विचारक, आप अपने आप को समर्थक के तौर पर, ठीक है। हमारे साथ माजिद हैदरी साहब कश्मीरी पत्रकार है, आपसे कुछ ही देर में वो भी जुड़ जाएंगे, तस्वीरों में आपको भी दिखेंगे। निशांत वर्मा साहब हमारे साथ, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, संस्थापक है ब्रिक्स के। और शोएब जमाई साहब प्रवक्ता है मुस्लिम दलित अधिकार मंच के, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम करती हूँ। इस्लामिक कट्टरपंथ, इस्लामिक आतंकवाद को कहने में किसी को खौफ नहीं होना चाहिए। जब एक शख्स अपने बदन पर ये जो वेस्ट है वो लटकाकर, वो बांध कर, अल्लाह अकबर के नारे देकर खत्म कर देता है अपने आप को और लोगों को खत्म कर देता है, तो उस नाम को क्लैरिफाई करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एमएस बिट्टा साहब, देखो रूबिका जी, बात बिल्कुल स्पष्ट और सीधी है। इतना बड़ा हमें पूरी दुनिया को कामयाबी, वो किसके साथ था, कौन था, वो बात की बातें हैं। yes. मेरा ये आज कहना है कि हम सबको आपस में आज बहस की जरूरत नहीं है। ये मुद्दा कभी भी आ सकता है। 370 धारा हटी, मुद्दा सामने आपके आया, हम सब एक हुए, चंद लोग एक नहीं हुए। आज देखिए वहाँ के हालात क्या हैं। ठीक है, अभी कुछ पंजाब की तरह कुछ कुछ चलता रहेगा। बगदादी इतना बड़ा टेररिस्ट जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, श्रीलंका के अंदर देखिए मासूमों का कत्ल, हिंदुस्तान के अंदर 39 बेगुनाहों का, उन मजदूरों का, उनका जिनके बच्चे उनकी वेट कर रहे थे, उनका कत्लेआम कर दिया। एबीपी की न्यूज सबसे पहले मौत का कफन बांध के, मिस्टर पटियाल चंडीगढ़ से गए थे मौत का कफन बांध करके, सबने पहले उन्होंने तिरंगा झंडा वहां लहराया था। आपकी एबीपी की न्यूज का रिपोर्टर था जोगिंदर पटियाल, जिसके फादर को भी टेररिस्टों ने शहीद किया था। मुझे एक चीज बताइए, जितनी देर तक हिंदुस्तान के अंदर कौन पार्टी, क्या पार्टी, कहां पे, ये चीजें बाद में या पहले, प्रथम राष्ट्र हम एक नहीं होंगे। मुसलमान मुसलमान की बात करेगा, मैं सिख हूं सिख की बात करेगा, हिंदू है हिंदू की बात करेगा, तो ये राष्ट्र बचने वाला नहीं है। आप पंजाब में देखिए, पंजाब के अंदर हम भी सरदार बेअंत सिंह, केपीएस गिल, हजारों लाखों सिख लोग टेररिज्म के खिलाफ आए। आज पंजाब में अमन शांति आया। हमें इन मुद्दों को इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि बगदादी एक जालिम था, एक गुनाहगार था, बेगुनाहों का कत्लेआम किया, बहुत अच्छा कहा। इस तरीके से हम सबको सामने आना होगा, पर ऐसी बहस आपस में तू मैं राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान। माजिद हैदरी साहब, एमएस बिट्टा की एक एक बात से मुझे लगता है यहाँ बैठा कोई भी शख्स नहीं होगा जो इत्तेफाक ना रखता हो। वक्त लगेगा, वो लोग जो चाहते हैं कश्मीर को बरगलाते रहे, उन लोगों को खत्म होने में वक्त लगेगा। और उनको मैं बगदादी की सोच कहती हूँ, आपको लगता है वो सोच मर जाएगी? हम तो कहते हैं लानत है नथुराम गोडसे पर, उसकी आइडियोलॉजी पर। मैडम हम तो कहते हैं स्वयं लानत है नथुराम गोडसे पर भी और उसकी आइडियोलॉजी पर भी। हाँ। लानत है उन लोगों पर जिन्होंने वो आइडियोलॉजी। और ये लानत हाफिज सईद पर क्यों नहीं भेजी जाती है? हम तो कहते हैं इसको ये लानत हाफिज सईद पर क्यों नहीं भेजी जाती है? प्राग पानी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? प्राग पानी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चैलेंज करती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ, महात्मा गांधी कहाँ गोड थे, अब कहाँ गए, कहाँ बगदादी, इतना बड़ा आतंकवादी,
नहीं पकड़ा बेटा, सब एक सेकंड रुकिए, आप छोड़िए हमारे गोडसे की सोच पे स्वयं। अरे नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, 10 बार बोल दिया, आगे बढ़िए ना, आप लानत भेज रहे हैं नाथूराम गोडसे पर। चलिए मिलकर लानत भगवान वाणी पर भी भेजते हैं, भेज पाएंगे नाथूराम गोडसे पर लानत भेजे, भेज पाएंगे बुरान वाली पर, जाकिर मूसा पर लानत भेज पाएंगे, बगदादी वाली सोच में लिप्त इन सारे आतंकियों पर आप भेज पाएंगे। माजिद हैदरी, डोंट ट्राई टू बिकम अ हीरो यार, इधर के नहीं नहीं इस सिलेक्टिव अप्रोच से हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए, मैं इंतजार कर रही हूँ, खामोशी, बुरान वाणी पर लानत और उसके बाद आगे बढ़िए। बुरान वाणी के ऊपर बोलिए ना, खामोशी, खामोशी, आप क्या कहना चाहते हैं? एक बुरान वाणी, बुरान वाणी के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? एक बुरान वाणी, नथुराम गोडसे पर लानत हो, क्या कहना चाहते हैं? नथुराम गोडसे पर लानत, क्या कहना चाहते हैं? गोड पर लानत, क्या कहना चाहते हैं? पहले नथुराम गोडसे पर भी लानत, उसकी सोच पर भी लानत, तब मैं आपसे आगे बहस करूंगा, जब तक आप ये नहीं कहेंगे मैं आगे नहीं चलूंगा। एक आतंकवादी, अभिनव भारत, अभिनव भारत की सोच पर लानत, अभिनव भारत पे लानत, उसके ऊपर अभिनव भारत पे लानत, अभिनव भारत की सोच पे लानत, नथुराम गोडसे पे लानत, स्वामी यतीमानंद पे लानत, कर्नल पुरोहित पे लानत, अरे लानत है उन लोगों ने जिस देश में हिंदू मुसलमान को लड़वाया, लानत है उन लोगों पे जिन्होंने गौ रक्षा के नाम पर हिंदू मुसलमान को लड़वाया, लानत है उन लोगों पे, अरे लानत है उस सोच पे। क्या हुआ शोएब जमाई साहब, शोएब जमाई साहब बताइए, ये रही वो सोच, नहीं नहीं दूर बेटा साहब, दूर ढूंढने की जरूरत नहीं है ना, दूर बैठ के बात करना भी पाप है, बात करते हैं गोडसे के खिलाफ, बात करना पाप हो गया। अरे आतंकवादी है या नहीं था ये बताइए, और कोई सवाल नहीं, ब्राह्मण वाणी आतंकवादी था या नहीं था? मुर्दाबाद, नथुराम गोडसे, इनको मुर्दाबाद, बंद कमरों में बैठ के क्या नहीं था? अरे आप लोग देश में लड़वाते हो, मेरे हिंदू भाई को मेरे मुसलमान भाई से लड़वाते हो, अरे पहले इतना बड़ा चाहे बेटा साहब, उसके लिए तकलीफ हो गई, उसके लिए, अरे लानत है उसकी सोच पे, अरे लानत है, अगर सामने आना तुम्हें बताएंगे, डिबेट पे सामने आना हम बताएंगे, आप लोग दूर बैठ के छोड़ बताते हो, सामने आओ तुम्हें बताते, आगे सोच सामने आ गई, अरे बस हो गया सर, ठीक है 30 सेकंड और मैं अभी आपके इस नकाब को हटाती हूँ, 30 सेकंड और मैं नकाब को हटाती हूँ। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का कातिल, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, नाथूराम गोडसे आतंकी से कम नहीं। चलो अब बोलो बुरान वाणी के बारे में, चलो 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 बोलो बुरान वाणी के बारे में, बोलो 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 बोलो। देखें देखें बुरान वाणी के बारे में, ये नहीं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा बुरान वाणी ने गोली मारी, कैसे कह रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा, आप मुझे सबूत दे, मैं कहूंगा आप मुझे सबूत दे, अरे सबूत दे, सबूत अब बुरान वाणी पर होगी बात, अरे सबूत दीजिए, नाथूराम गोडसे से मुर्दाबाद अब बुरान वाणी पर होगी बात। प्रेम शुक्ला साहब, मुर्दाबाद, बगदादी का मुझे पता है, मैं कैसे मुर्दाबाद, अजहर मसूद मुर्दाबाद, उसको अफगानिस्तान ले जाने वाले मुर्दाबाद, अजहर मसूद मुर्दाबाद, आप लोग बेटा साहब एक सेकंड घेरना बना, अच्छा देख लिया, देश के दुश्मनों को घेरना मना, देश के दुश्मनों को घेरना मना, घेरना मना, रखिए क्या सुने, नहीं सुनेंगे देश के खिलाफ, नहीं सुनेंगे देश के खिलाफ, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनने का मादा नहीं, हम नहीं सुनेंगे इस देश के खिलाफ, नहीं सुनेंगे हम आपके। सर एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ना ना ना, वेट वेट, लेट मी टेक अ ब्रेक, लेट मी टेक अ ब्रेक, निशांत वर्मा प्लीज लेट मी टेक अ ब्रेक, ये सवाल रिस्पेक्टेड पूछेगा, रुकिए रुकिए निशांत वर्मा, कौन कमलेश तिवारी,
कमलेश तिवारी को लेके ये जो यहाँ अवस्थी जी इतना बात कर रहे हैं उसको मारना क्या जायज ठहरा रहे हैं? जायज ठहरा रहे हैं? मुंह में मत डालो, मैंने एक सवाल किया, उसको छोड़ेंगे? प्लीज 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 कवर फायर मत करो, बताऊंगा प्लीज। निशांत वर्मा, हम बात कर रहे हैं आतंकी सोच की। थैंक यू सो मच बेटा साहब। आपसे मेरा सिर्फ ये सवाल इसलिए था क्योंकि आजकल जो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी है वो कमलेश तिवारी को लेके बहुत ज़्यादा ये बनाती है कि कमलेश तिवारी का ऐसा हुआ। हर कोई कंडेम करता है, किसी को भी मारना नहीं चाहिए, चाहे जान से तो बहुत दूर की बात है, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन लेकिन वही लोग आप बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज, आप बीच में ना बोले, ये मेरा टाइम है, आप अपने टाइम में बोलिएगा। समर्थन किया और इसी तरीके से उसके मारने का समर्थन नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं कि हाथ लगाना दूर, मारना तो बहुत दूर, किसी को टच भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कमलेश तिवारी थे क्या? कमलेश तिवारी अपनी जिंदगी में पूरा टाइम हिंदू मुसलमान बरगलाते रहे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये वही कट्टर सोच है जिसका नाश होना चाहिए। जब मैं सपोर्ट करता हूँ, जब मैं सपोर्ट करता, मैं बता रहा हूँ, जब मैं सपोर्ट करता, आप क्या कह रहे हैं? कट्टर सोच, रिलीजियस कट्टर सोच का नाश। शुगर कोट कर रहे हैं आप, रह करके आप एक सोच को बचाने के लिए शुगर कोटिंग कर रहे हैं। हम आइए इसकी बात क्यों करते, शुगर कोटिंग कर रहे हैं आप। देखो इस वक्त कहाँ खड़े हम, 370 धारा के बाद बगदादी, ओसामा बिन लदेन बगदादी, जो दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट, कहाँ कमलेश तिवारी? मैंने तो अखबारों में भी नहीं ये चर्चा पड़ी होगी। हाँ नाम सुना है, चैनलों के अंदर ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है, पर कहाँ बगदादी? इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर चर्चा हो रही है, जिसने श्रीलंका के अंदर हमारे 39 बेगुनाह लोग उन्होंने मार दिए, बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया, पूना से कश्मीर से कहाँ कहाँ से आतंकवादियों को तैयार किया जा रहा है। कहाँ कमलेश तिवारी? क्या कमलेश तिवारी के हाथ में AK-47 पकड़ी गई? नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, पर क्या AK-47 पकड़ करके उसने पंजाब बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया? देखो मैं हिंदू सिख की मुसलमान की बात में मत लाइए। सोच जो है ये चाहे मुसलमान में हो चाहे हिंदू में हो, सर ये कब तक चलेगा मुझे ये बताइए। ये पूछिए प्रेम शुक्ला से, चलेगा पूछिए प्रेम शुक्ला से, क्यों कमलेश तिवारी? क्यों कमलेश तिवारी? तो आज ही खत्म हो जाती ना। आप लोग क्यों खड़े हो जाते हैं जब माजिद हैदरी सरीके खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि नहीं हम लोग नाथूराम पर तो लानत भेजेंगे लेकिन मुरान वानी पर नहीं भेजेंगे। मेरा एक सवाल है बिट्टा जी से, बड़ा मासूम सा। बिट्टा जी, अकाल तख्त जत्थेदार एक बहुत रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत देशभक्त है, बिल्कुल है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह बहुत रिस्पेक्टेड है मेरे लिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं ये मांग करता हूं कि RSS पर बैन लगा देना चाहिए क्योंकि ये हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को बांट रहा है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं एक बात आपको स्पष्ट कहूं, ना RSS से मतलब, ना BJP से मतलब, ना सरकार से, ना नरेंद्र मोदी से। हम आते हैं भैया यहाँ पे पहन करके और रुमाल निकाल करके आते हैं। सर मेरे मैं आपको सर। अरे मैं सवाल का जवाब लोगे ना मेरे से? जी सर जी। हमें घर से बुलाया जाता है, गाड़ियां भेजी जाती है, वहां के बोल के पब्लिसिटी हमारी हो गई, अच्छा बोले बुरा बोले। अरे सरहदों की सुरक्षा बीकानेर, अरे मेरी बात नहीं, अरे बात नहीं, छोटा सा सवाल, छोटा सवाल, बहुत छोटा जवाब होना चाहिए सर। बिल्कुल गलत कहा हमारे अकाल तख्त के जथेदार ने, गलत कहा है। अलानिया कहता हूँ, और बताओ क्या पूछना चाहते हो? ठीक, और बताओ। यानी कि सिखों की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अकाल तख्त जथेदार, इतने रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, बिट्टा साहब उनके खिलाफ चल जाते हैं। बिट्टा साहब एक और कहो, बिट्टा साहब रुकिए, बिट्टा तो शोएब जमाई, ये खेल नहीं चलेंगे। हाँ हाँ। आप समझ गए? नहीं मैं कहा, नहीं आपको RSS का सवाल करना है। झोला लेके आया हूं, झोला लेके चला गया। सुनिए, ये झोले पर रफू करवाइए, ये झोले पर रफू करवाइए, ये लीक कर रहा है आपका झोला। ये आपका झोला जो है वो ज़हनी तौर पर लीक कर रहा है, इसे रफू करवाइए। ठीक है, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मेरे मासूम से सवाल में सब मैं आपको हो गया। मैं आपकी मासूमियत के पीछे छिपी बदमाशी मैं बताती हूँ सर, सुनिए। तो जो खड़ा हुआ आतंकवाद के खिलाफ, जो खड़ा हुआ एंटी नेशनलिस्ट विचारधारा के साथ, वो तो ठीक है। MS बिट्टा साहब ने कहा कि मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता है, आप बोलो बुरान वानी मुर्दाबाद, तो आपको लगा ये RSS का आदमी है, इसने नीचे खाकी पहनी हुई। मैंने बोला बुरान वानी मुर्दाबाद, आप ही शहीद मुर्दाबाद। ना 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 ना, आपकी मासूमी,
बगदादी मुर्दाबाद। यार आपके मासूम सवाल के पीछे जो बदमाशी छिपी हुई है वो ये है रूबिका जी, अगर आप हिंदुस्तान के सपोर्ट में बोल रहे हैं तो आपको लगता है कि मोदी के सपोर्ट में बोल रहे हैं। आप अपनी जिस आपने अपनी जिस अवस्थी से क्यों नहीं पूछा, आपने एमएस बिट्टा से क्यों पूछा ये सवाल, आरएसएस का सवाल अपनी जेश अवस्थी से क्यों नहीं पूछा। आप ये जो परत परत पर परत चढ़ाते ना सर, ये भी वो सोच है, इस पर चोट कीजिए आप।